नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत सबसे देश की सबसे महत्वपूर्ण सीट जिसे माना जा रहा था वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीतने में सफल हुए हैं। लेकिन यहां अब की बार जो हार जीत का अंतर रहा है उसके मद्देनजर अगर बात करें तो ये यहाँ की जनता ने, बनारस की जनता ने ये साबित किया है, ये दर्शाया है कि लोग उनके लोगों के मन में कितना गुस्सा है, किस तरह से लोग नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस शहर में, इस संसदीय क्षेत्र में घटी है। मैंने इस गुस्से का इजहार यहाँ की जनता ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ईवीएम का बटन दबा करके किया है। आलम यह था कि आज 4 जून को जो मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती दौर में एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने 6000 मतों से बढ़त बना ली थी, लेकिन उसके बाद से लगातार नरेंद्र मोदी ने एक बार जो बढ़त बनाई वो बढ़त तो लगातार अंत तक उनके जीत तक कायम रही, लेकिन अजय राय भी बहुत पीछे नहीं रहे। अजय राय लगातार उनको कांटे का संघर्ष देते नजर आए। बने आलम ये हुआ कि आगे के चक्रों में अंतिम परिणाम जब घोषित हुआ तो वो नरेंद्र मोदी 6,12,970 मत हासिल करके विजयी हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 4,60,457 मत मिले। वह इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहे बसपा के प्रत्याशी अधर जमाल लाई को महज 33,766 मतों से संतोष करना पड़ा। इस तरह नरेंद्र मोदी जीते जरूर मगर महज 1,52,513 मतों से। इस तरह अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय चुनाव हार करके भी दिल जीत गए तो गलत नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर रहते हुए नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंडिडेट बनकर के बनारस आए थे, वहां उस समय बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच जो मुकाबला हुआ था। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी उस समय भी विजयी रहे और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल को कुल 3,37,000 मतों से पराजित किया था। नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर रहे अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 मत, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को महज 75,614 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। चौथे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी और पांचवें स्थान पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। अब अगर हम 2019 की बात करें तो पुलवामा और बालाकोट के मुद्दे पर ये जो चुनाव लड़ा गया ये चुनाव भी काफी रोचक रहा। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी इस चुनाव में 4,79,505 मतों के अंदर से उन्होंने जीत दर्ज की। उन्हें 6,74,664 वोट मिले। नरेंद्र मोदी ने तब सपा के उम्मीदवार शालिनी यादव को हराया था जिन्हें 1,95,159 वोट मिले थे और ये जीत उनकी 1,79,000 मतों से हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि अब तक चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो चाहे वो 2019 का इलेक्शन हो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 4,00,000 से ज्यादा वोट किसी भी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को कभी नहीं मिला।
ये कारनामा कर दिखाया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने। वाराणसी की माटी में वाराणसी की माटी में पले बढ़े और यही की राजनीति की। हालांकि ये भी बता दें कि उन्होंने शुरुआती दौर में बीजेपी के साथ कदम ताल करते हुए बनारस के विधानसभा चुनाव में कोलसला से वामपंथ का गढ़ डुबो दिया था, ढहा दिया था। वो 5 बार विधायक रहे कोलसला और पिंडरा विधानसभा से। हालांकि पिछली 2 बार से उन्हें हार जरूर मिल रही है, पिछले 2-3 सांसदीय चुनाव में भी उन्हें हार जरूर मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी इस हार से अपने आप को थोड़ा भी कमजोर महसूस नहीं किया। पिछले 10 साल से बनारस में अगर कोई नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ लड़ता दिखाई दिया तो वो एकमात्र अजय राय ही रहे। ये अजय राय ही रहे जिनके ऊपर कांग्रेस ने इस बार भी, जब इंडिया गठबंधन बना तब भी जो है वो बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अजय राय पर ही भरोसा जताया। हालांकि इसका असर जरूर कांग्रेस पार्टी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के बावजूद वो अपने संसदीय क्षेत्र में ही सिमट करके रह गए और बाकी जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए वो नहीं जा पाए। बावजूद इसके उन्होंने बनारस में तो अपना परचम लहराया ही, हार करके भी जीत हासिल की है। अब अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में मछली शहर से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी, यहां तक कि अयोध्या जिसे एक सिंबल के रूप में, एक बड़े एसेट के रूप में बीजेपी और इंडिया एनडीए गठबंधन लेकर के चल रही थी कि इस राम मंदिर की का निर्माण और भगवान श्री राम की प्रतिमा का की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा उत्तर प्रदेश उनका हो जाएगा, पूरा उत्तर भारत उनका हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती ने कस करके पकड़ करके रखा और इसे अपने ग्रास रूट तक पहुंचाया, एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचाया, एक एक मतदाता तक पहुंचाया, जिसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी होकर बन करके उभरी है। और इतना ही नहीं, गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां पिछली बार 1 सीट केवल रायबरेली की सोनिया गांधी के रूप में जीत हासिल हुई थी, वहीं अब की बार 7 से 8 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। मजेदार तो यह है कि जहां जहां से भी 43 सीट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलना, ये कम बात नहीं है। ये जबरदस्त लड़ाई उत्तर प्रदेश में रही है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में, एनडीए और इंडिया गठबंधन के रूप में। तभी तो प्रयागराज से उज्जवल रमण जीत गए, जौनपुर में भी कृपा शंकर को हार का सामना करना पड़ा, मिर्जापुर में अनुप्रिया जरूर उलटफेर से बच गई लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। जबकि सुल्तानपुर से मेनका गांधी हार गई, वहीं बनारस के से सटे चंदौली संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री रहे महेंद्रनाथ पांडे को अब की बार हार का सामना करना पड़ा है। और यहां दिग्गज नेता बनारस चंदौली और पूर्वांचल के दिग्गज नेता प्रदेश सरकार में मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह ने फतह हासिल की है। तो ये एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन उनके जीत का अंतर सबसे कम हुआ है इस तीसरी बार में, महज 1,52,000। इसके पहले वो 3,00,000, 4,00,000, 4,76,000, 79,000 इस तरह से वो चुनाव जीतते रहे हैं। अब की बार महज 1,52,000। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज हमारे साथ आप बने रहें,
हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करना है, अपने कमेंट करने हैं। अगर अब तक आपने @AjayChaturvedi842 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।